हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का क्लास। लगभग 245 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में लगभग कवर करा चुका हूँ, तो हम आज लगभग 345 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। तो या हम लगभग हम 350 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। हम जस्ट लगभग 400 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है अब तक का सबसे मेरा रिकॉर्ड है, तो मतलब ये आपका 500 सीरीज होने वाला है, जिसमें से हम आप डेली बेस पे पढ़ते होंगे तो बहुत सारे आप सीख गए होंगे। 500 जैसे कंप्लीट होता है क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको फ्री में ऐप बताऊँगा, उसके हिसाब से मॉक टेस्ट लगाइएगा। और आपका जो वैकेंसी है कभी भी आ सकती है, तो आपका जो तैयारी बढ़िया ढंग से कीजिएगा, कभी भी आ सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूँ, छत्तीसगढ़ का पुलिस भी कभी भी आ सकता है उसका, क्योंकि जो जो शिक्षक कर्मी भर्ती जो 10,000 12,000 जो भी निकाली गई थी घोषणा, उसी टाइम उसको भी घोषणा किया गया था, तो वो भी कभी भी आ सकता है। तो अपना जो तैयारी बढ़िया कीजिए, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो पहले से कीजिए, कोई भी जो वैकेंसी फट से आ जाएगा तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम का पहले से प्रिपरेशन कर रहे, चाहे छात्रावास से अधीक्षक हो, चाहे PSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो पहले से उसका तैयारी कीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। आ भी जाएगा तो आपको लोग बोलेंगे कम ही टाइम है करके, तो बढ़िया पहले से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते, बाकी आप समझदार हो। तो हम लगभग 345 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो पिछले क्लासेस को प्लीज रिवाइज करते चलिएगा। नहीं देखे हो तो मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो पार्ट वाइज उसको देखते चलिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेगा। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कंप्यूटर का सेक्शन आपके बैंक वगैरह सबको काम आएगा, स्टेट के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम। तो हमारा क्वेश्चन है, विंडोज शट डाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+F4, Ctrl+Shift+F4, Alt+F4 या Win+F4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो विंडोज शट डाउन करने के लिए हम इसको इसका सी ऑप्शन का उपयोग हम करते हैं, तो इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका जो Ctrl+F4 इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, आप एक तरह का आपका फंक्शन की है। इसका इस्तेमाल जो विंडो एक्सप्लोरर और आपके जो इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है, इसमें एड्रेस एक्टिव के लिए इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे आपका F5 हो गया, तो ये आपका रिफ्रेश करने के लिए आपको किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो सिट्रम ट्रे, टास्क बार, मेन्यू बार, क्विक लॉन्च टूल बार, ये हम ये आपके BCD इसके तीनों बारे में हम कंप्यूटर में देखे भी हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो इसका जो सिट्रम जो ड्रे है आपके एक विंडोज डेस्कटॉप के अंतर्गत नहीं है, मतलब आपका विंडोज में इस्तेमाल किया जाने वाला आपका फंक्शन नहीं। बाकी टास्क बार, मेन्यू बार, क्विक लॉन्च टूल बार, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका सिट्रम ड्रे इसमें कौन सा नहीं है करके बताया गया, बताना था, तो ये आपके ये वाला नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक अवैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो मतलब फाइल के जो फाइल के अंतर्गत नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन फैट, जो एट है आपके विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम के नहीं है। बाकी NTFS, XFAT, FAT32 आपके जो एक तरह का जो जो विंडोज में इस्तेमाल किया जाने वाला फाइल सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन को, जैक केल्वी को, बिल गेट्स को, चार्ल्स बैबेज को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1820 में चार्ल्स बैबेज ने इंजन के माध्यम से अलग अलग इंजनों के डिज़ाइन और यहाँ पर इन्होंने तैयार किया था, और कंप्यूटर के जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर का जो आविष्कार इन्होंने किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, इनके द्वारा सबसे पहले तैयार किया गया था। घुमा के भी क्वेश्चन पूछे, जैसे आधुनिक कंप्यूटर के जनक होने ऐसे करके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके वायसराय थे भारत के। जैक केल्वी कौन है? तो अमेरिका के इंजीनियर थे, याद रखे अमेरिकी इंजीनियर थे, उन्होंने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और बिल गेट्स कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल गेट्स जो है आपके सी ऑप्शन
अब आप लोग को तो पता ही होगा बिल गेट्स कौन है। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के ये आपके मालिक है, इसको याद रखिए ऑनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमंत होलरिथ का, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या आपके वान लीमॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर का जब विकास किया जा रहा था तो सर्वाधिक जो योगदान है, जो भूमिका निभाई थी, वान लीमॉन है। तो इनके द्वारा सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में जब तैयार कर रहे थे तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा काम किया था। तो वान ल्यूमन आपके ये भी अमेरिका के आपके इंजीनियर थे। तो इनको आधुनिक कंप्यूटर के खोज या आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछे तो वान ल्यूमन इनके द्वारा जो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर के खोज इन्होंने की थी, लगभग 1946 ईस्वी में। इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएमपी कर देता हूँ, वैसे सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज कौन है इसको तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अंकी कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के, मतलब जो अब जो प्रथम जो अंक बनाया गया था कंप्यूटर को, जो ब्लूप्रिंट के जो विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो हरमन होलरिथ का, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या विलियम बुरोस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे डिजिट वगैरह जो प्रथम डिजिट अंक बना रहे थे तो कंप्यूटर के जो ब्लू जो आपके ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान आपके चार्ल्स बेबेज हैं। तो कंप्यूटर के जनक भी इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन से सन में हुआ था? इसका आविष्कार कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1960 में या 1965 में? अभी मैं आप लोग को जस्ट बताया हूँ। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर को जो आविष्कार कौन से सन में हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। ये डेट को आपको भूलना नहीं है, फिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वान लीमॉन या फिर अमेरिका के इंजीनियर थे, तो इनके द्वारा आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में इसको किया गया था, याद रखिए। सर्वप्रथम पूछे तब भी सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सन 1946 में किया गया है। ये आपके गणना करने के लिए, गणना मशीन के क्षेत्र में इसको बनाया गया था। और इसका जो पहला जो विश्व में जो पहले आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो आपका एनियक है, याद रखिएगा। अगर पूछे तो आपका एनियक लगा देना है, एनियक है, इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, तो डेट को और नाम को नहीं भूलना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? जो फिजिकली जो बनावट होती है, जो तैयार किया रहता है, आपका क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, फर्मवेयर या आपका न्यूमनवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब बी ऑप्शन। तो आपका कंप्यूटर के जितने भी भौतिक जो बनावट जो बना होता है आपका हार्डवेयर कहलाता है, याद रखिएगा। तो भौतिक जो संरचना को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ हार्डवेयर कौन कौन सा है, तो आपका मदरबोर्ड हो गया, तो मदरबोर्ड ही आपके हार्डवेयर की एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आपका RAM, रेंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, तो रैम भी आपका हार्डवेयर है। इसके बाद आपका CPU, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको, तो CPU इसको भी हार्डवेयर कहा जाता है। इसके बाद आपका माउस, तो माउस भी आपका कीबोर्ड और CD, DVD, हार्ड डिस्क सभी आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ से कन्फ्यूज़ करने का, आपको जो नाम दिया रहेगा कौन सा आपका हार्डवेयर की एग्जाम्पल है करके आपको दे देगा, तो उसको याद रख। कंप्यूटर हार्डवेयर के आपका मदरबोर्ड, रैम, CPU, माउस, कीबोर्ड, CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सभी इसके एग्जाम्पल है हार्डवेयर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या आपका फर्मवेयर। तो 354 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, तो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर के जो सारे काम आपके जो प्रोग्राम जो यूज करते हैं सभी जो जो काम होता है आपके सभी आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आप लोग को पता है सभी इसके माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग या कंप्यूटर का ब्रेन, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग या इसका ब्रेन कंप्यूटर का क्या कहलाता है? तो प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU या हार्ड डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो CPU जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो CPU को इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म पूछे तब भी आपको आंसर लगा देना है। तो ये आपके कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है, तो एक कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से इसको ब्रेन आप कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है। जस्ट मैं बताया हूँ घुमा के क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क बोले ब्रेन, तो सभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो स्मृति, कुंजी, CPU, हार्ड डिस्क, तो आपके सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपके कंप्यूटर के मस्तिष्क इसको कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। CPU होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्क या आपका प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, क्या आंसर हो सकता है इसका, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो ये आपका CPU हो। तो मैं बताया कंफ्यूज करने का, आप लोग आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो CPU याद रखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है या किसके द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। तो रॉबर्ट नोयस, गार्डन मूर, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर, इन दोनों ने इसका जो आविष्कार है कौन से सन में किया था, नवम्बर 1971 याद रखिएगा। तो नवम्बर 1971 में आपके इंटेल नामक जो कंपनी है, याद रखिए कि इंटेल कंपनी सभी जानते होंगे इसका प्रोसेसर बनता है। तो हाल ही में इसका i9 नया वर्जन का आया है प्रोसेसर मार्केट में, 2023 में लॉन्च हुआ है। तो इंटेल के द्वारा इसको रॉबर्ट नायस और गार्डन मून ने नवंबर 1971 है तो इसमें इन्होंने आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा इनके द्वारा तैयार किए थे जो आपका जो इंटेल नाम के नाम से अभी आपका जो आपका माइक्रो प्रोसेसर आता है, तो इसको याद रखिए सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आपके इंटेल के नाम से, इंटेल कंपनी के नाम से 2004 में पहली बार आया था। तो आपको 2004 सबसे पहले कब आया था, तो 2004 आने लगा। किसके द्वारा लाया, तो रॉबर्ट नोयस, गार्डमूर, कौन से सन में आया था, तो 1971 लेना है। तो सभी आपके इनके द्वारा लाया गया था 2004 में सबसे पहले, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, याद रखिए इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप का जो विकास या इसका आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बैबेज ने, जे स्किल्वी ने, सीवी रमन ने, या आपके रॉबर्ट आपके नायक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे स्किल्वी। कभी कभी इसका जो आंसर है कई ठो एग्जाम में, ये आपका रॉबर्ट नायक, ये दोनों ने मिल के इसको तैयार किया है। तो ऑप्शन में जो भी जे स्किल्वी रहेगा तो जे स्किल्वी लगाना है, रॉबर्ट नायक रहेगा दोनों को लगाना है, ए और बी जैसे दोनों है तो दोनों को आपको टिक करना है। इनमें दोनों में से एक रहेगा तो दोनों को आपको एक कर देना है। कई एग्जाम में इसको भी बोला गया है, खासकर किसी को लिया जाएगा ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी थे लेकिन इसमें ए बी दो नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाइएगा। तो इंटीग्रेटेड चिप जो सर्किट चिप का विकास इन्होंने किया था, ये आपके कौन थे, तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप का जो विकास ये आपके इनके द्वारा किए थे, इन दोनों के द्वारा, ये आपके अमेरिका के आपके भौतिक वैज्ञानिक थे दोनों जने। तो इसका चिप का निर्माण इन्होंने किया था, इस चिप को इनके द्वारा नाम दिया था सिलिकॉन, याद रखिए सिलिकॉन वैली के नाम से इसको इन्हीं द्वारा, जो हम बागदेव बेंगलोर को विलिकान सेले के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से, तो ये जो नाम दिए है इन्हीं के द्वारा इसको दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इन लोग सेमीकंडक्टर वगैरह का निर्माण लोग करते हैं। यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या होता है, तो आपके इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलता है, इसको अर्धचालक सामग्री भी इसको कहा जाता है। ये आपके बड़ा स्मॉल चिप होता है, ये आपके कहाँ पे, ये आपके किससे बना होता है, तो आपके सिलिकॉन से बने होते हैं, इसको याद रखिएगा। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, संगणक को जो कंप्यूटर होता है इसमें आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, तो किस चीज़ से बना होता है। जस्ट अभी बताया हूँ कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए, तो आपके सिलिकॉन, लेड, क्रोमियम या आपका सोना, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सिलिकॉन, याद रखिए। तो सिलिकॉन जस्ट अभी बताएँ किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो इन्होंने सिलिकॉन को नाम दिया गया था, और हमारे जो बेंगलोर है, भारत की जो बेंगलोर सिटी है, इसको सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता था, तो इसको याद रही। तो आईसी चिप जो कंप्यूटर में जो
उपयोग होता है आपके सिलिकॉन से बना होता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। ये आपके लगभग सभी जो कंप्यूटर को जो MCQ तैयार के लूसेंट से तैयार किए गए लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगी। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में। कमेंट बॉक्स में आपको स्कोर कितना बना ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज बस आज के इतने, थैंक यू।